तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आपने कभी ना कभी तो वीपीएन का यूज जरूरी किया होगा, और आप यूज करने के लिए करते क्या है, डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाते हैं और वहां से वीपीएन डाउनलोड करते हैं। इसी को देखते हुए जो मोबाइल कंपनीज है उन्होंने एक वीपीएन आपके मोबाइल में ही दे दिया है, जिससे कि आपको वीपीएन डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े और आपकी जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट रहे, यानी सुरक्षित रहे। ज्यादातर लोग है वो ये नहीं जानते कि जो मोबाइल में वीपीएन दिया हुआ है उसको कैसे यूज करना है और कैसे उसकी सेटिंग्स करनी है। अगर आप प्ले स्टोर से कोई वीपीएन डाउनलोड करते हो तो ज्यादातर जो वीपीएन होते हैं उनमें आपको पैसे देने पड़ते हैं तभी आप उनको यूज कर पाते, लेकिन आपका जो मोबाइल का वीपीएन है उसको आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, बस आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। तो कैसे आपको उसको यूज करना है, कैसे सेटअप करना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लीजिए लाइक। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो मोबाइल की सेटिंग्स होती है उसको आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब आपको जैसे थोड़ा नीचे आना है और यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग, इस पे आपको क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको वीपीएन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे आपको एक बार क्लिक करना है और यहां से आपको नीचे ऐड वीपीएन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद अब जो सारी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है। तो यहां पर नेम में आपको कुछ भी नेम आप यहां से लिख सकते हैं, तो मैं यहां से लिख देता हूं वीपीएन, आप कुछ भी नेम यहां से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है टैप, तो टैप पे आपको क्लिक करके जो दूसरा ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब जो तीसरा ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सर्वर एड्रेस। अब सर्वर एड्रेस आपको कैसे डालना है और कहाँ से आपको मिलेगा। अब आप जैसे अमेरिका का डालोगे तो आपका अमेरिका का सर्वर खुल जाएगा, जापान का डालोगे तो जापान का खुल जाएगा, मतलब कि आपको ये सर्वर एड्रेस मिलेंगे कहाँ से, तो वो मैं आपको बताया। आप जैसे अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करोगे वीपीएन गेट तो कुछ ऐसा आएगा, तो आपको इस वेबसाइट पर चले जाना। चले जाने के बाद आपको यहाँ पर दुनिया भर के जो सर्वर के जो एड्रेस है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ साथ आपको जो कंट्रीज है वो भी लिखी आएंगी और साथ साथ उनकी जो स्पीड है वो भी यहाँ पर लिखी आएगी, जो कि आप देख ही सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी आएगी, तो मैं एक यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं जापान का यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको आपको वहाँ पे डाल देना और इसको अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप सर्वर डाल देते हैं उसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा IPSEC प्रीफर्ड की, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिख देना VPN, जैसे कि आप लिख देते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, सो एडवांस ऑप्शन को इनेबल कर देना है, जो कि यहाँ पे डिसेबल हो सकता है, ऐसे कुछ आप देख सकते हैं, इसको आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको फॉरवर्डिंग रूट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि आप देख सकते हैं 0.0.0.0/0, जो कि आप देख सकते हैं, ये आपको लिख देना। जैसे लिख देते हैं उसके बाद आपको यूजर नेम पे आना और यहाँ पे लिख देना आपको डायरेक्टली वीपीएन, और पासवर्ड में भी आपको वीपीएन ही लिख देना। जैसे आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, जो कि आप देख सकते हो, उसके बाद आपको राइट के बटन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आपको जो वीपीएन है यहाँ से इसको इनेबल कर देना। जैसे आप इनेबल कर देते हैं जो ये वीपीएन है आपको जैसे कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होने के बाद ये काम करना चालू कर देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब, तो मिलते हैं अगले वीडियो।